नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस एलिवेटर से आदित्य प्रजापति। मेरे यूट्यूब चैनल आरएस एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन सिंगलर 3300, सिंगलर की कोई सी भी लिफ्ट हो, 3300, 3100, 3800, 3600, 3650, तो इनमें क्या करेंगे अपन, इनके जो एरर कोड होते हैं और एरर कैसे चेक करा जाता है सिंगलर में, तो मैं आपको एरर चेक करने का बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें जो भी एरर आ जाते हैं वो कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन, ये एंटर का बटन है, ये अप डाउन का बटन है और ये एक्सेप्ट का बटन है, तो एंटर का अपन बटन दबाएंगे। जैसे ही एंटर का बटन दबाया 10 आएगा, तो 10 को अपन करेंगे 50 को एंटर करेंगे, 50 में एंटर करते ही 0 आएगा आगे, यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होगा, इस 0 को 1 करना है, 0 को 1 करके एंटर करना है अपन को। जैसे एंटर करें, ये एरर यहाँ पे शो करेगा, और एरर शो करने के लिए, सारे एरर देखने के लिए आपका बटन दबाते रहेंगे अपन। अपन ने आपका बटन दबाया, ये एरर 20077 है, तो ये एरर लिस्ट में देखना पड़ता है कि ये किसका एरर है, ये रिसेटिंग का एरर है। तो इसमें सारे एरर के बारे में अपन को जानकारी मिलेंगी, और ये कब आया एरर ये भी दिखाएगा इसमें। देखो, ये 11/11/22 को एरर आया था, तो ये इस प्रकार से अपन एरर देख सकते हैं। बाकी ये दूसरा एरर है 32116, तो एरर क्या का एरर कौन से किस चीज़ को एरर मानते हैं, ये 03 है ना लास्ट वाला, इसको एरर नहीं माना, गिनेंगे एरर, गिनेंगे अपन 2116 से अपन एरर स्टार्ट करते हैं, मतलब लास्ट वाले जो चार डिजिट हैं इन्हीं को एरर मानते हैं और इन्हीं के हिसाब से अपन काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से अप डाउन करके आप एरर काउंट कर सकते हैं, ये फटल एरर है पहले के, तो ये जितने भी इसमें एरर हैं, एरर के पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर डला हुआ है, जितने भी एरर इसमें आए थे आपसे पहले रिसेट करने से पहले, वो सारे एरर इसके अंदर है। तो इस प्रकार से आप एरर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार से आप सिंगलर का जो भी किसी कोई भी बंदा आपको बोले कि एरर लिस्ट भेजे, तो सिंपल सी बात है कि इसको एरर करें, एरर चेक करने के लिए ये, और इसको वापस बैक होने के लिए ESC का बटन दबाएं, और ये जो 1 है इसको 0 करना पड़ता है, 0 करके एंटर करना पड़ता है। इसी प्रकार से आप बैक हो सकते हो, नहीं वरना आप बैक नहीं जा पाओगे। तो अपन बाहर आ गए एरर चेक करके, 401 आ गया अपना डिस्प्ले पे, और बाहर डिस्प्ले पे ये 3 दिखा रहा है। टॉप फ्लोर मेरी लिफ्ट खड़ी है, तो ये सिंगलर है, ये SMIC कार्ड है, और ये CPU कार्ड है। इसके बाद ये अगर कोई समस्या आ जाए तो फ्यूज कार्ड है, और इसके बारे में, इसके बाकी पूरे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी पहले दे दी है। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू थैंक्स।